डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड सिक्स की और क्लास छठी की जो पहला चैप्टर है आपका द वेरी फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन है क्या, फूड कहेंगे किसको और उसके सोर्सेस क्या क्या हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन का कंपोनेंट क्या क्या है, क्यों यह आवश्यक है, इसका क्या क्या इफेक्ट है, ये सभी बात हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। इसकी शुरुआत हम लोग एक बेसिक टर्म से करते हैं। आप इस टर्म के बारे में जानते होंगे, WHO के बारे में। WHO इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप फुल फॉर्म देख रहे हैं, गुड फॉर्मेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड ऑफिस आपको याद रखना है, इसका हेड ऑफिस है जिनेवा में, जिनेवा। और जिनेवा है कहाँ, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। यह दो बात जो है आपके दिमाग में होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड ऑफिस है जिनेवा और जिनेवा सिचुएटेड है स्विट्जरलैंड में। हम लोग एक्चुअली डिफाइन करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स हेल्थ टर्म के बारे में, व्हाट इज हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे डिफाइन किया है, उसके अनुसार से इसका डिफिनीशन क्या है। तो आप लिखेंगे हेल्थ के डिफिनीशन में, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मींस कि ऐसी अवस्था जिसमें आपका फिजिकल मींस शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, सोशल, सामाजिक एज वेल एज स्पिरिचुअल वेलबींग हो, स्पिरिचुअल वेलबींग। अ स्टेट ऑफ अकॉर्डिंग टू WHO अ स्टेट ऑफ फिजिकल मींस शारीरिक, मेंटल मानसिक, सामाजिक और धार्मिक, यह सभी एस्पेक्ट्स में अगर अच्छा हो तब उस पर्सन को, उस व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे कि वह हेल्दी है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ गुड हेल्थ। अगर आपके हेल्थ को अच्छा रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। देखिए हम लोग इसको पॉइंट में ही मेंशन करना चाह रहे हैं और आपको बड़ी आसानी से आप इसको, बड़े ईज ढंग से आप इसको याद कर लेंगे। फॉर गुड हेल्थ, अच्छे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। आवश्यक है कि यू शुड टेक और कंज्यूम बैलेंस्ड एंड प्रॉपर फूड। ये दो टर्म लिखे हैं, इसके बारे में हम लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, बट व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट एंड व्हाट इज प्रॉपर डाइट। आपको बैलेंस्ड एंड प्रॉपर डाइट लेना है, कंज्यूम करना है। उसके बाद आपका जो भोजन होगा, यू शुड ईट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। आपके लिए फास्टिंग आवश्यक नहीं है, निश्चित तौर पर वो आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि अभी आप टेंडर एज में हैं, ग्रोइंग एज में हैं, आपके लिए फास्टिंग हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो याद रखेंगे यू शुड टेक और ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्या हम लोग बोल रहे हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आपको भोजन समय समय पर करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका हेल्थ अच्छा हो, आप निश्चित तौर पर चाहते हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं। बैलेंस एंड प्रॉपर डाइट आपको कंज्यूम करना है। आप जो भोजन करेंगे वह रेगुलर इंटरवल पर भोजन करेंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना है, एक्सरसाइज एंड योगा को फॉलो करना है। योगा प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। उसके बाद आपको हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन रखना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग क्या इसमें ऐड करेंगे, एक और पॉइंट कि आपका जो ब्रेन हो, माइंड हो, वह स्ट्रेसफुल हो, तनाव में नहीं हो, किसी बात को लेकर के आपके मन में स्ट्रेस नहीं हो। स्ट्रेस का अर्थ होता है तनाव, चिंता, टेंशन। अलर्टफुल होना है मीन्स जागरूक रहना है, आपको अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, लेकिन चिंतित नहीं होना है। स्ट्रेस, ब्रेन पर स्ट्रेस नहीं देना है, दबाव नहीं देना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो अब आपका हेल्थ गुड अवश्य ही रहेगा, आपका हेल्थ निश्चित तौर पर गुड होगा। यहाँ पर आप हम क्या देख रहे हैं कि गुड हेल्थ के लिए क्या क्या आवश्यक है। यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट, यहाँ एक टर्म है डाइट मीन्स भोजन, और दूसरा यू शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल। यह जो फूड टर्म है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज फॉर द गुड हेल्थ। भोजन सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में है अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। अब हम लोग आपके चैप्टर के अनुसार शुरू करते हैं, यह जो फूड है क्यों आवश्यक है इसके बारे में हम लोग चर्चा किए कि गुड हेल्थ के लिए फूड वन ऑफ द मेजर नेसेसिटीज है, वह हमारे लिए अति आवश्यक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं लेसन की शुरुआत। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है व्हाट इज फूड, फूड है क्या। द ऑर्गेनिक मटेरियल विच वी कंज्यूम टू ऑब्टेन एनर्जी, वह सभी चीज, वह सभी पदार्थ जिसको हम खाते हैं वह भोजन है। क्यों खाते हैं, टू ऑब्टेन एनर्जी।
भोजन इसीलिए किया जाता है कि हमारे शरीर को एनर्जी मिले, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हम लोग भोजन लेते हैं या भोजन खाते हैं। तो यह याद रखेंगे, फूड जो है आपका यह ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है स्टूडेंट्स? यह ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको हम लोग लेते क्यों हैं? टू ऑब्टेन एनर्जी, टू ऑब्टेन एनर्जी। यह पॉइंट दिमाग में निश्चित तौर पर रखेंगे। तो फूड इज द सब्सटेंस, आप स्टैंडर्ड 6 में आप यह भी कह सकते हैं या ऐसे याद रख सकते हैं कहिए नहीं तो, कि यह एक तरह का क्या है? फ्यूल है, ईंधन है। जैसे आप देखते हैं गाड़ी में, ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल की आवश्यकता होती है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसी तरह से हमारे जीवन को सुचारू ढंग से चलने के लिए भोजन की आवश्यकता है। फूड इज द ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज रिक्वायर्ड आवर बॉडी टू ऑब्टेन व्हाट? टू ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। क्या सिर्फ एनर्जी के लिए ही? नहीं। एक पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड, भोजन के क्या क्या फंक्शंस हैं, भोजन का क्या क्या काम है। तो आप याद रखेंगे, इट गिव अस एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट क्या बोले हैं कि भोजन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिले, इट गिव अस एनर्जी। सेकेंड वन, यह जो एनर्जी मिलता है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। एनर्जी का आप करेंगे क्या? या आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक जो गतिविधि है, जैसे सांस लेना, आप सांस नहीं ले लोगे तो क्या आप जीवित रह पाओगे? नहीं। और इवन सांस लेने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वह एनर्जी कहाँ से मिलेगा आपको स्टूडेंट्स? वो एनर्जी मिलेगा जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं उसे। तो याद रखेंगे कि भोजन हम लोग करते हैं एनर्जी के लिए, टू ऑब्टेन एनर्जी। और यह जो एनर्जी है या यह जो फूड है, यह आपके वर्न आउट सेल्स, जो सेल बेकार हो गए हैं, आपके शरीर में जो रिपेयर का काम होगा या रिपेयर करेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आपके शरीर का ग्रोथ के लिए आवश्यक है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि यह हमारे शरीर के ह्यूमन सिस्टम के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड अप करता है। भोजन जो आप करेंगे वो आपके शरीर को बचाता है, फूड प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीजेज, बीमारियों से आपके शरीर को बचाने का काम भी भोजन का ही है। तो यह सभी हम लोग देख रहे हैं क्या इसके मेजर फंक्शंस है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं इस टॉपिक में, और अब हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड, भोजन के क्या क्या टाइप्स हैं, फूड के क्या क्या टाइप्स हैं। तो आप जानते होंगे कि आपका जो भोजन है, फूड है, यह ग्रेटली वेरी करता है। अगर आप फूड हैबिट्स को देखें तो आपका जो फूड हैबिट्स हैं, आपके जो फ्रेंड के फूड हैबिट्स हैं, या अगर वह किसी दूसरे स्टेट में रहते हो तब उनका फूड हैबिट्स हो, यह ग्रेटली चेंज होता है एक जगह से दूसरे जगह। मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ का जो मेजर फूड है वह चावल और रोटी है, उसी तरह से कहीं अगर आप दूसरे जगह जाते हैं, जैसे अगर आप साउथ इंडिया जाएं तो वहाँ पर सांभर। सभी जगह पर फूड अलग अलग तरह का है, मतलब वहाँ के लोग उस तरह के फूड को मेजर अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि वह क्यों ऐसा होता है, क्यों वहाँ के लोग उस तरह के फूड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक टर्म को डिफाइन करना चाह रहे हैं, और यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स किसको कहते हैं? व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स? इसका हिंदी होगा सामग्री, द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम, वह सभी चीज जो भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, नोन एज व्हाट? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट मतलब द मटेरियल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ फूड, एक भोजन का आइटम बनाने के लिए, एक फूड आइटम बनाने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है, उस सामग्री को हम लोग बोलते हैं क्या? इंग्रेडिएंट्स। याद रखेंगे, मिनिमम जो इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होता है किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए वह कितना है? दो। एग्जांपल आप देखें तो जैसे हम लोग को राइस बनाना है, चावल पकाना है, तो राइस बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए आपको रॉ राइस चाहिए, मतलब कच्चा चावल चाहिए, और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? वाटर, वाटर एंड रॉ राइस, कच्चा चावल और पानी। इसको जब बॉइल किया जाएगा तब आपका चावल बनके तैयार हो जाएगा जो आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसी तरह से फूड आइटम है इडली, उसमें आप देखेंगे कि मोर देन टू इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें इंग्रेडिएंट ज़्यादा है। उसी तरह से आप और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं जो आपके घर में भोजन बनता है, जैसे खीर बने, उसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो अलग अलग तरह के फूड के लिए अलग अलग तरह का इंग्रेडिएंट्स आवश्यक है, फूड के लिए इंग्रेडिएंट्स आवश्यक है, अलग फूड के लिए अलग इंग्रेडिएंट। तो यह बात दिमाग में जरूर से रखेंगे। एक आपके लिए हम यहाँ क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, यह क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। एक ऐसा इंग्रेडिएंट का नाम आपको बताना है, वाटर को छोड़ के, वाटर हम यहाँ एक लिख दिए हैं,
वाटर के अलावा एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताइए जो ना तो आपको प्लांट से मिलता हो और ना ही आपको किससे मिलता हो, एनिमल से। ध्यान रखिए, या क्वेश्चन को हम एक बार बोल देते हैं, वैसे बोर्ड पर आप देख रहे हैं। नेम अ इंग्रेडिएंट व्हिच इज नीदर ऑब्टेंड फ्रॉम अ प्लांट नॉर फ्रॉम एनिमल। ऐसा इंग्रेडिएंट का नाम बताना है जो ना तो प्लांट और ना ही एनिमल से प्राप्त होता है। चलिए एक और हम लोग आगे थोड़ा सा इसको आगे ले चलते हैं। एक लास्ट टॉपिक जो आज का हम आपको बताएंगे वह है सोर्सेस ऑफ फूड। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड? सोर्सेस ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड में आप जानेंगे कि भोजन कहाँ से ऑब्टेंड होता है, जो अपना बेसिकली या चैप्टर का हेडिंग है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन आता कहाँ से है, व्हाट आर इट्स सोर्स। तो मेजर अगर सोर्स का हम बात करें तो आप क्या क्या देख पाते हैं कि जो भी भोजन हम करते हैं वह इधर ऑब्टेंड होता है या तो प्लांट से, नहीं तो वह भोजन हमको मिलता है कहाँ से, एनिमल से। मतलब बेसिकली जो हमारा सोर्स है भोजन का वह प्लांट है और एनिमल है। यू मे राइट प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपके भोजन का जो भी सोर्स है वह या तो प्लांट से आता है नहीं तो एनिमल से आता है। भोजन आप इन्हीं दो जगह से ऑब्टेंड करते हैं। हालांकि इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और भी आप याद रख सकते हैं, मशरूम। मशरूम एक इडिबल फंजाई है, मशरूम एक इडिबल फंजाई है जो ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल है। इट इज अ फंगस। अभी हम आपको बताएं कि यह फंजाई किंगडम का है, ना तो प्लांट और ना एनिमल। एक ऐसा क्वेश्चन आप याद रखेंगे, एक ऐसा फूड आइटम जो ना तो प्लांट से ऑब्टेंड होता है और ना एनिमल से। आंसर आपका क्या हो जाएगा? मशरूम। मशरूम इज इडिबल फंजाई। इडिबल, इडिबल का अर्थ होता है खाने योग्य, या ऐसा फंगस है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन का बहुत बेहतर सोर्स होता है ये स्टूडेंट्स। मेजर या तो एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन याद रखना है। यहाँ जो हम लोग चर्चा करते हैं सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में, मेजर जो सोर्स है आपके भोजन का वह या तो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है। कुछ उदाहरण हम लोग चर्चा कर लें, जैसे प्लांट से हम लोग को मिलता है क्या क्या, सीरियल्स, अनाज, जैसे आपका राइस, मेज, वीट, बार्ली, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी तरह से आप पल्सेस में देखते हैं, ढेर सारा पल्सेस है, अरहर, ग्राम। उसी तरह से आप और आगे अगर देखना चाहें, जैसे आपका वेजिटेबल है, वेजिटेबल के भी सोर्स आपके प्लांट्स ही हैं। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ देखें एनिमल से हमको क्या मिलता है, तो आप देखते हैं मिल्क है, बटर, चीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत तरह के प्रोडक्ट हैं, जैसे एग है, फिश, फ्लेस, ये सभी आपको एनिमल प्रोडक्ट के कैटेगरी में आएगा। तो जो भी फूड आइटम्स है, जो भी सोर्सेस ऑफ फूड है, ब्रॉडली अगर हम लोग उसको देखें तो उसके सोर्स दो ही हैं, या तो प्लांट या फिर एनिमल्स। तो यह जो ये क्वेश्चन हम आपको छोड़ के जा रहे हैं कि इंग्रेडिएंट का नाम बताने, उसका आई होप कि आप निश्चित तौर पर बताएंगे आंसर कमेंट बॉक्स में। कीप लर्निंग।